बछड़ा की मोती। अरे ऐसे काहे उदास हो? स्कूल में पेरेंट्स डे की फंक्शन है। कितना बजे है? 12 बजे। खुशबू, स्कूल जाए खातिर तैयार हो गई? हाँ? अरे स्कूल की ड्रेस ना पहन लू? अच्छा, जरूर कोई खास दिन हो ही। हाँ हाँ, 12 बजे ना? हम आ जाए, ठीक है। लेकिन पहले तू हंसा। हंसा, सब बच्चन की अम्मी अबू तो नहीं, लेकिन हमारे अबू पिछली बार सिर्फ अब्बू रहे और ये बार सिर्फ अम्मी हुई है। बात बात, सब लोग इतना उदास, इतना गमगीन? अरमान की याद आ गई। चला दोस्त, तो स्कूल जाकर टाइम हो गया ना? तो हरमन अगर स्कूल बस से नहीं जाए कर रहा था तो हम थोड़ा के कार से छोड़ दे। अरे ई का छोटा छोटा सु बहुत कीमती मोती है, तो तू एक राके ऐसे ही भाव दो। तू हमरा से वादा केले रह लू ना कि तू अपने अब्बू की याद करके कभी नहीं रोगू? वादा तोड़ ले लेना। तू आज स्कूल में पेरेंट्स डे की फंक्शन है। तेरे में टेंशन वाली कौन सी बात बा? हम है ना, हम आ जाए तेरे अम्मी के साथ। माफ खिल जाए, हम ऐसे ही कहते ली। ऐसे ही वैसे ही कुछ नहीं, आपकी अम्मी के साथ ही आए के हुए, नहीं तो आज हम स्कूल ना जाओ। ये जरूर स्कूल जा, हम आमिर के तोरे अम्मी के संग स्कूल भेज दे बेटा। चले आज हम आपके कार से जाए। ठीक है, हम आज तोरों के अपने कार से ले चला। देखिए आप गलत मत समझ जाइए, हम बस जी के दिल रखे थे ऐसे बोल रहे। नरगिस जावा बेटा, आमिर खातिर चाय बना के ले आवा बेटा। अरे जा। नहीं अम्मी, अभी तो हम ओके स्कूल छोड़े जाते नहीं। चल जाइया बेटा, 2 मिनट।
बेटा तोरा से एक जरूरी बात करेगा। जरूर बोली, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसे कहीं कहीं के ना कहे। अम्मी हम हो तो आपके बेटे जैसे नहीं ना, आप तो आप ही तो कह लें कि हम अरमान हैं, अरमान की जगह हैं। तो फिर हमसे बताओ, मैं हमसे बोले मैं कौन सी परेशान, बोल दें जो हम कह चाहते हैं। उधा दरअसल हम कहे चाहता कि हम अब यहां बतरी लगातार हमार दिल के बाद खुद अरमान की अम्मी हमरा से कह चाहते हैं। एकर मतलब बिना कमान के ही हमार सब तीर निशाना पे लगत हो। कितनी निकम्मी भी है यहाँ के पुलिस बाबूजी। अरे जीजू की हत्या भेल इतना दिन बीत गई, अभी तक हत्यारा आजाद घूम रहा बा, एगो सुराग तक ना ढूंढ पेलन जाई लोग अभी तक। हाँ बेटा, पुलिस बहुत ढीली बा और उसे ज्यादा ढीली होकर कार्रवाई बा। हमारा के तो लागत है कि लोग इस केस पर ध्यान नहीं खेते। उन्हें निक लागत हुई कि कत भैल बहुत दिन हो गई, अब सब भुलाई गई हुई, छोड़ा जाए दे। लेकिन लेकिन हम कैसे बुला जाए है? अपने दामाद जी के कत्ल हम कैसे बुला जाए? हमारा के मालूम बा कि अब दामाद जी वापस फिर ना आई है, लेकिन कैसे भुला जाए उनके कत्ल के? हमरा के इंसाफ चाहिए, हर हाल में हमरा के इंसाफ चाहिए। सचिन जी बाबूजी, एक काम करा, वो पुलिस वाले के फोन करा जे ई केस के जांच कर रहा, फोन करा। ठीक बा बाबूजी। हेलो दरोगा जी, हम शंकर बोलत हैं। हाँ जी बोली। आखिर हमने के कब तक इंसाफ मिली दरोगा जी? जी इंसाफ हुई, जरूर हुई, हमने बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाए जी। इतना समय तो हो गया दरोगा जी, और कितना समय चाहिए रहुआ? माना थे कि समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से अपन कोशिश कर रहे थे। वो तो दिखाई दे रहा बा, लेकिन रहुआ एक बात के ध्यान रखी, हमारा के इंसाफ चाहिए बहुत जल्दी हर हाल में। देखी आप कानून पे भरोसा रखी, इंसाफ जरूर हुई। दरोगा जी कानून पे हमारा पूरा भरोसा बा। अरे हम उस दिन के इंतजार करता नहीं जौने दिन हम कातिल के अपनी आंख से देखब जे हमारे दामाद के खून कैले बा। हम उस दिन के इंतजार करता नहीं जी। मिस्टर अरमान मलिक के इंसाफ जरूर मिली, ये हमारा आपसे वादा। ठीक बा दरोगा जी, हम रहुआ के फिर से फोन करो। शुक्रिया। ये आखिर कातिल हाउ कौन जी, अब तक छुपल फिर था और कब तक छुपी? वो कि बहुत जल्द अपने गिरफ्त मिले, बहुत जल्द। अम्मी अगर ये सच है कि हमार कोक में एक बीज खेलने वाला, तो हम अपने आप के बहुत खुश नसीब समझे कि कम से कम वो अपने प्यार के, अपने रिश्ता के एगो निशानी तो दे के गए लन। अम्मी हम उनके निशानी के अपन सीना से लगा के रख, अब खुश है ना अम्मी कि हम उनके बच्चा के माँ बनने वाला है।
अम्मी अम्मी ये निशाने हमरे साथ रही, हम चाहे जहां रही जौने हाल में रही, अम्मी अम्मी अब सच कहत रही ना कि हम हाँ हमके ऐसे नहीं लगा था। अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में? हमार और नरकिस के बीच में केहू न केहू दीवार बन के आ ही जाला, पहले अरमान और अब शायद होकर बच्चा। बहरहाल अगर हमार निकाह नरकिस से हो जाता तो जैसे अरमान के दुनिया से रुखसत कर ली वैसे ही ओकर औलाद की भी ये दुनिया से रुखसत होए के पड़ी। हमरे और नरकिस के बीच अरमान के कोनो निशानी ना रह के चाहिए। अम्मी आप खुश नहीं के? काहे नहीं, हम बहुत खुश हैं। हाँ हम खुश हैं। अरे हम तो भुला गए नहीं, हमके तो खुशबू के स्कूल में जाए कर है। अच्छा अब हम जाते तैयार हुए, नहीं तो देर हो जाए। हम बाहर जाते हैं, आमिर अकेला बैठल हवे। आयशा ओकरे खाते चाय बना के ले आबा। जी खालिद। काबिल अम्मी सब खैरियत था ना? हाँ, सब खैरियत था। दरअसल नरगिस शायद आमिर के ए बारे में फिलहाल कुछ भी बतावल ठीक ना हुई। जौन तू सोचत हो ना सासू माँ वो हम सब समझता नहीं। हमरा के पता है कि ए वक्त आप सब लोग दुविधा में हो कि बताई या ना बताई। छुपावल ही ठीक रही। काबिल अम्मी जी आप कहीं खो गए? बस थोड़ा नरगिस की फिक्र हो रहल बा, ओकर तबीयत थोड़ा नासाज बा। नासाज तो होबे करी, एक तो तन्हाई ऊपर से मुस्तकबिल का फिक्र, ऐसे में तो केहू की भी तबीयत खराब हो जाए। वो तो एक औरत बा। काबिल अम्मी आप कुछ कहे जात रही? नहीं नहीं, दरअसल तो जब तक नरगिस की माँ बने के बाद के सही सही पता नहींखे चल जात तब तक आमिर से नरगिस से निकाह के बात करल ठीक ना हुई। अम्मी फिर कहीं कुछ आप खो गए? दरअसल तोरा से जो बात कही कहा वो गुप्तगु थोड़ा लंबा है। अब भाई तोरा के नरगिस के संग खुशबू के स्कूल जाए कहा, हम बाद में बात करब। जी जैसा आपका मर्जी। बढ़िया मुद्दा के बात टाल गई शायद। अरमान मलिक के खून के सिलसिले में? हाँ बोला। अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा 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 हाँ ठीक ठीक। साहेब ये जबरदस्त खबर बा। बोला। अरमान मलिक कातिल।
खबर पक्की बा? खबर एकदम पक्की बा साहब। मिस्टर अरमान मलिक का कातिल बहुत जल्द हमने की गिरफ्त में आए। चला चली। हाँ 12 बजे ही वाला है। खुशबू स्कूल में इंतजार कर रहल हुई। जल्दी करा तू दोनों, जा जा। एक मिनट। हेलो। का बे खिंजिर की औलाद, कुत्ता कमीना हरम ज्यादा हराम खोर ला। अरे साला तोरा के जितना गाली देवल जाओ कम हुई। हमरा से होशियारी करत रहले इरफान से, तू हमनी के भेजे खाती गाड़ी भेजले रहले ताकि हमनी के जिंदगी का सफर हमेशा खाती खत्म हो जाए और तू जिंदगी भर ऐश कर। का सोचले रहले तू कि हमनी के मर गई जा? अरे पुलिस वालन के तरह तू भी गलत फहमी में रहले और तू हमनी के मारे के कोशिश करके तू अपन मौत की दावत देले बारे। याद रख, जब हमनी के तोर दोस्त का ठिकाने लगा सके नहीं जा तो तोरा भी लगा सके नहीं जा। पुलिस वाला समझा तारण सक कि हमनी के मर गली जा, लेकिन हमनी के जिंदा है जा और हमनी के पुलिस के पास जाके सब कुछ बता देब जा। ऐसन मत करिए, हमनी के ऐसन ही करब जा। पुलिस वाला के जाके सब कुछ बता देब कि अरमान के मरवावे के साजिश तोहार रहल तोहार। हम अभी 2 मिनट पर फोन करते हैं। ठीक बा। कुछ गड़ल मुर्दा उखड़ल हुआ। हाँ? अरे कुछ नहीं, कुछ बिजनेस के बाद बाब एक जरूरी काम आ गेल बाब। अम्मी खुशबू से आप हमारी तरफ से माफी मांग ले जाइए, हमके तुरंत जाए के पड़े। चलते हैं, अल्लाह हाफिज। तू चल जा। ठीक है, जा।